आपके साथ और ऐसा नहीं है कि बीच बीच में मुझे पब्लिक फियर नहीं आया, क्रू मेंबर उधर बैठे वो लोग कर लेंगे बाकी। टाइम था मैं मेरे शूज को रोज मतलब क्लीन करता था, बट अभी देखो अभी तक मैंने 60-65 व्लॉग बना दिए। और ऐसा नहीं है कि बीच बीच में मुझे पब्लिक फियर नहीं आया कि पब्लिक के सामने मैं व्लॉग कैसे करूँ। बहुत बार ऐसे हुआ है कि पब्लिक के सामने व्लॉग कैसे करूँ, और बहुत बार मैंने वो मूवमेंट मिस भी किया है और बनाया भी नहीं है व्लॉग कई बार। बट आजकल कैसा ना कि अभी रेगुलर डाल रहा हूँ तो अभी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पूरे क्राउड में, ग्राउंड में कितना क्राउड था तब भी मैं व्लॉग कर रहा हूँ। वैसे मुझे कभी होता नहीं है पब्लिक फियर, बट कभी कभार हो जाता है व्लॉगर को, बट ठीक है। बट आज भाई जो मैंने व्लॉगिंग की है ना सब जगह, मैंने एक तो मेरा प्रमोशन भी कर दिया, मतलब सब्सक्राइबर भी बढ़ गए। पूछा बहुत लोगों ने कि ब्लॉगिंग कर रहा है चैनल बताइए, मतलब ऐसे हो जाता है प्रमोशन। फिर दूसरी बात ये है कि अपना कंटेंट भी बन रहा है, ऐसे बन रहा है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं किसी को भी कैमरा थमा रहा हूँ शूट करने के लिए, क्योंकि मैं आधे टाइम इधर रहता हूँ और आधे टाइम उधर रहता हूँ। तो अभी शायद जेसी के जो सर मैम है उनके लिए वो इवेंट चालू हो रहा है, मतलब पहले था वो डिग्री के सर मैम के लिए था, बट अभी है वो जेसी लोग के लिए शायद। बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ फोटोग्राफी, क्योंकि कैमरा में चार्जिंग नहीं है। जो है क्रू मेंबर उधर बैठे वो लोग कर लेंगे, बाकी मैं बाद में दोपहर में कर लूँगा। स्टोरी बघितली, टाकली, अरे किती लवकर टाकली, पण भाई मला भूक लागली आणि माझं वॉलेट आहे ह्याच्यामध्ये बॅगमध्ये, आणि मी आणला पण नाही आणि बॅग फिरतोय इकडे तिकडे कुठेतरी, माहिती नाही कुठे ठेवला आहे मी ने। मी माझ्या त्या डायमेन्शनच्या रूममध्ये ठेवला होता, पण तिथून भाई गायबच झाला आहे, भेटतच नाही आहे। विचारला बॅग आणि विचारला तर बोलतात नाही रे इधर उधर हुआ होगा, कोणसे तो रूम में रखा होगा। मतलब भाई पर्स तो चाहिए, उसमें पैसे खाऊँ क्या मैं भाई। 20 मिनट का पूरा नींद खींच लिया, मतलब 20 मिनट में क्या ही नींद होती है, बट ठीक है जितना भी मिला वही अच्छा है। अभी चार्जिंग अभी तक फुल नहीं हुई है, कल रात को मैंने फुल करके रखा था उसे, अभी ये 4-5 घंटे में पूरा उतर गया। अभी फिर भी ठीक है, अभी फुल नहीं हुआ तभी चलेगा। चल ना, हाँ लगाऊंगा ना, करना है बाजू फुटेज डायरेक्ट 5 घंटे के बाद ले रहा हूँ, क्योंकि जो भी अभी आपने देखा अभी तक, मतलब मैंने फोटोग्राफी भी की ना तो वो SD कार्ड दिया, फिर SD कार्ड उसने मतलब जो भी फ़ोटो वीडियो थे वो कॉपी किया, फिर वो फिर से लिया, फिर फॉर्मेट किया, मतलब बहुत झंझट था। आधे से ज़्यादा PWD का क्रू निकल गया है, बस 3-4 लोग ही बचे, उनके साथ में हूँ अभी। बट फिलहाल अभी मैं इधर बस ऐसे रिलैक्स करने आया हूँ, कुछ तो खा लेता हूँ, फिर सो जाता हूँ, तो फिर उठ के फिर देखते क्या करना है। अभी तो भाई कॉलेज मेरे लिए हॉस्टल जैसा हो गया है, मतलब आओ लेक्चर करो या ना करो, कैंटीन में बैठो, यहाँ घूमो, क्रिकेट खेलने जाओ, आके कौन से भी क्लास में सो जाओ, मतलब फुल हॉस्टल लाइफ ही जी रहा हूँ मैं।
मतलब फुल नहीं, उनकी अलग होती है, मैं बस एक ऐसी कुछ तो ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर 7-8 बजे तक रुकने के बाद फिर ठाणा भी जाना है, क्योंकि कल ग्रुप डे है ना, तो पूरे ग्रुप ने डिसाइड किया है कि एक जैसे ही टी शर्ट पहनेंगे, एक ही शर्ट, एक ही डिज़ाइन, मतलब सब सेम होगा। तो सब लोग ने टी शर्ट लिया है, तो वो मतलब उसके पास पीसेस नहीं थे उतने, कितनी पीस घेटले थे अपन, 12-13 ना, 15 टी शर्ट लिए उसके पास, वो सेम टू सेम नहीं थे, तो उसने बोला कि रात को आओ 15 दे दूंगा, या भी रिसीव करने जाना है। और पूरा प्लान था कि BBI पूरा एक ही डाले, बट ये जो भी प्लान बनाया है वो मैंने बनाया है नहीं, मुझे बस कॉल करके साइज़ पूछा गया कि भैया कल टी शर्ट ले रहे, तेरा साइज़ बता बस। मैं अगर मुझे ये प्लान पता होता तो मैं सोच रहा था कि पूरा BBI वैसा पहन के आए, बट अभी तो फिलहाल हम 15 ही जन पहन रहे हैं हमारा ग्रुप, बट कोई नहीं, देखते और क्या क्या सीन होता है। एक टाइम था मैं मेरे शूज़ को रोज मतलब क्लीन करता था, बट अब भी देखो इस शूज़ की क्या हालत है, मतलब इसको देख के मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैं ना हर बार मतलब वाइट है ना, तो उसको पूरा ऐसा पूरा वाइट रखता था, मतलब गंदा हुआ ना एक बार भी उसको साफ करता था, बट इसकी आज ऐसी हालत हुई है ना, मतलब क्या ही बताओ, पूरा और फट भी गया है, तो इसको अभी मैं चेंज ही कर लेता हूँ पूरा, और दो लेने जाने मुझे, देखता हूँ कभी लेता हूँ, वो कब से भी बोल ही जा रहा हूँ कि दो लेने बट लिया नहीं है, बस अभी इधर ऐसे छील मार रहा हूँ, पूरा क्लास खाली है। मुझे एक बात बतानी थी, मतलब वो भूल ही गया मैं ऑलमोस्ट, बट अभी याद आई, जो 7 अप 7 डाउन वो जो गेम था, उसमें मैंने स्टार्टिंग में 50-60 रुपीज़ जीता मैंने, मतलब प्रॉफिट में, बट मुझे ऐसा लालच आया कि अभी जीतते जा रहा हूँ तो फिर जीत ही जाऊँगा, 100-150 तक तो लेके जाऊँगा, बट जब तक 60 तक था तब तक ठीक था, बट जैसे मैंने उसके आगे लगाना चालू किया ना 7 अप पे, मैं अप ही लगा रहा था, क्योंकि वो ही अच्छा था और उस पर ही पैसे आ रहे थे, इसलिए मैं अप पे लगा रहा था, और 60 के बाद भाई वो अप आया ही नहीं, डाउन होते गया, और मेरे ऐसी 50-60 रुपये उधर ही चले गए, मतलब प्रॉफिट हुआ था 60 का, बट और 60 का लॉस करके आया। भाई अभी बज रहे 9:30, घर पे आ गया, ठाणा जाके आया, बीच में व्लॉग नहीं किया क्योंकि कुछ खास मूड नहीं था, मतलब इतना थका था ना कि व्लॉगिंग करने का मूड ही नहीं हो रहा था, सॉक्स भी आप भी निकाल रहा हूँ मैं व्लॉग करते करते, बट ठाणा जाके ये टी शर्ट लेके आया, ये कैसा है क्या है वो कल पहनूंगा, मतलब सब ग्रुप यही पहनने वाला है, तो कल भी व्लॉग बनेगा तो वो व्लॉग में देख लेना, बट इसका मुझे थोड़ा सीन लग रहा है कि ये मेरे साइज का नहीं होगा, ये लूज होगा ना, तो मैं गारंटी में ये नहीं पहनने वाला, क्योंकि भाई ग्रुप डे है पता है, बट अच्छा आप पे दिखेगा ही नहीं तो वो पहन के क्या फ़ायदा, तो पहले मैं देखूंगा किधर लूज वूज हो रहा है या नहीं, वैसे आ जाएगा एम आ जाता है, बट देखने से तो लग रहा है कि नहीं आएगा, बट फिर भी अभी ट्राई करके देखता हूँ। और मैंने कुछ दिन पहले मतलब किसी एक ब्लॉग में बोला था कि दिसंबर में बहुत खर्चे होते, तो उसकी शुरुआत हो गई है भाई, आज इतना खर्चा हुआ है ना कि पूरी सेविंग उड़ गया, कोई नहीं फिर से सेव कर लेंगे और फिर से जो करना है वो करेंगे। अभी देखो कल तो कैमरा लेके बुलाया नहीं है, मतलब डायमेंशन का इवेंट नहीं है ना, वो कॉलेज का इवेंट है एक्चुअली, मतलब ये ग्रुप डे वगैरह वैसे डायमेंशन का ही पकड़ लो, बट फिर भी कैमरा लेके नहीं बुलाया, शूट वूट कुछ करना नहीं है, बट कैमरा लेके जाना है क्योंकि जो हमारा ग्रुप है वो फोटोशूट भी करना है उनको, तो मैंने क्या किया, मैंने कैमरा घर पे लाया नहीं क्योंकि इतना हैवी था ना मेरा, मैं उधर मुलुंड में ही ड्रॉप किया एक दोस्त के पास, उसको बोला था कि तू कल लेके आना, वैसे भी तो मुलुंड ही रहता है तो जल्दी आ जाएगा, तो वो लेके आ जाएगा, फिर फोटोशूट होगा उसके बाद, फिर मैं फिर से लेके आऊँगा, फिर उसके बाद भी है ना अपने डेस्क, तो इस वीडियो को यहीं पर रखता हूँ, अगर आपने इतना देख लिया ये वीडियो तो एक लाइक तो बनता है, बाकी सब बढ़िया है, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में चलते थे और अभी खो गए, इतने थे पास हम और अब अजनबी।